इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है रूस से। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस के सारातोव में एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है और ये निशाना ड्रोन से बनाया गया है। आपको बता दें कि एक दो ड्रोन नहीं बल्कि कई ड्रोन दागे गए हैं और ये ड्रोन दागे गए हैं यूक्रेन की तरफ से। आपको मालूम होगा कि कैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इसी दौरान अब यूक्रेन की तरफ से रिहायशी इलाके में भी ड्रोन दागे गए हैं। आपको बता दें कि सारातोव का ये सबसे ऊंचा इमारत बताया जा रहा है जहां पर एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। फुटेज में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ड्रोन आता है और उसके बाद से बिल्डिंग से टकराता है। जैसे आपको याद हुआ कि अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ था उसी प्रकार से यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन दागे गए और ये रूस के सारातोव शहर में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इस घटना की जानकारी सारातोव के गवर्नर रोमन बुसर्गिन ने दी है और कहा है रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि इसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसी युद्ध के बीच अब लगातार जो खबरें आ रही थी उसके बीच ये भी खबर आ रही है कि अब रिहायशी इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन दागे हैं। जिस प्रकार से आप फोटो और वीडियो देख रहे होंगे कि कैसे यूक्रेन की तरफ से लगातार कई ड्रोन दागे गए हैं, उसके बाद से एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस वक्त चल रहा है, ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रहायशी इलाकों में भी यूक्रेन अब हमला करने जा रहा है। जिस प्रकार से फुटेज आप देख रहे हैं कि कैसे जो ये हमला किया गया है ड्रोन से, उसके बाद जो बिल्डिंग का जो मलबा है वो नीचे गिरा है, उसके बाद से भी कई वहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के तकरीबन जो गाड़ियाँ हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार फुटेज आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पहले ड्रोन आता है, उसके बाद से इमारत से टकराती है और आग के लपेटों में जो गुबार निकलती है बिल्डिंग से वो साफ तौर पर आप देख रहे होंगे। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर ने दी है और बताया है उन्होंने कि किस प्रकार से यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है। सारातोव का ये सबसे ऊंचा इमारत है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है और सारातोव शहर में एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है इस हमले में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि महिला को अस्पताल ले जाया जा चुका है और उनका इलाज जारी है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गवर्नर ने कहा था कि इमरजेंसी सर्विस राजधानी मॉस्को से कई 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस क्षेत्र के प्रमुख शहरों सारातोव और एंग्लोस में प्रभावित क्षेत्रों में बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने शुरुआती दौर में 20 ड्रोनों से हमला किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा 9 ड्रोन सारातोव में दागे गए थे। इसके अलावा कुर्सक के ऊपर 3, बेलगोरॉड ओब्लास्ट के ऊपर 2, ब्रांसक के ऊपर 2, ओवर्तुल्सकाया पर 2, ओवर ओलोर्सकाया पर 1 और रियाजान क्षेत्र में भी 1 ड्रोन दागा गया था। रूस के पास एंग्लेस में एक रणनीतिक मॉस्को बॉम्बर मिलिट्री बेस है। आपको बता दें कि जिस पर साल 2022 के बाद यूक्रेन ने कई बार हमला किया है। हालांकि बेस पर इस हमले में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जो यूक्रेन की सीमा से कई 100 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि अभी 23 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन के दौरे पर गए थे। करीब 2.5 साल से जारी जंग के बीच पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और दोनों के बीच करीब 3 घंटों तक बैठक चली थी। और इसी बीच अब खबर आई है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर ड्रोन से हमला किया है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक ड्रोन बिल्डिंग से टकराता है और उसके बाद आग का गुबार निकलता है। हालांकि इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बाकी इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो कुछ भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।